कक्षा 9 हिंदी पाठ 1 दो बेलों की कथा के प्रश्न उत्तर। प्रेमचंद का जीवन परिचय। जन्म। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय, पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। निधन उनका 1936 ईस्वी में हुआ। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। इनकी रचनाएं हैं। प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। इनके उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर जो 8 खंड में है, और गुप्तधन। इनके नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, और इनके निबंध संग्रह है कुछ विचार, विद्विद प्रसंग। प्रश्न एक, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। प्रश्न दो, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी, गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है, उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ाया। इस प्रश्न में छोटी बच्ची को ऐसा महसूस हो रहा है कि बैलों की स्थिति है जो उसकी स्थिति समान है। छोटी बच्ची की भी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। इन दोनों का समन्वय इस प्रश्न में दर्शाया गया है। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। आजादी के लिए हमेशा सजग व संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर है, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेल कर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया था। कांजी होश की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा था। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि
समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों जूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक जूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है, प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने की बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। तो इसमें मोती की विशेषताएं दर्शाई गई है कि वह एक आशावादी था और वह स्वार्थी भी नहीं था, उसने स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती है। तो इस प्रश्न में हमें यह दर्शाया गया है कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य भी उस गुप्त शक्ति से वंचित है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। उत्तर, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे, गया ने उनके साथ अपमान पूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है गय। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसलिए उन्हें दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। प्रश्न 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने जूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी होंस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ, शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रश्न 12, क्या आप तो को लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? उत्तर है, प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं, इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने
अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बेलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आजादी की भावना से जुड़ी है। प्रश्न 13, बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। उत्तर, ही निपात। फर्स्ट है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। दूसरा है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। थर्ड है, नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। भी निपात के प्रयोग। फर्स्ट है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। सेकंड है, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, सुख के दुख के हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। थर्ड है, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। फोर्थ है, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। फिफ्थ है, जोरी उन्हें इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। प्रश्न 14, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, तो यहाँ संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है तथा संज्ञा उपवाक्य है। खै है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। उत्तर, यहाँ मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है और विशेषण उपवाक्य है। गह है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक पाके। उत्तर है, यहाँ मिश्र वाक्य है और संज्ञा उपवाक्य है। गह है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। उत्तर, यहाँ संयुक्त वाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अंतिम है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नह छोड़ता। या उत्तर, यहाँ संयुक्त वाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, हिम्मत हारना निराश होना होता है, इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया। सेकंड है, टकटकी लगाना मतलब निरंतर देखना, वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। थर्ड है, जान से हाथ धोना मतलब इसका है मर जाना। यह वाक्य का प्रयोग है, यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। फोर्थ है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया करना, युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अंतिम है, दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना, इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए।